तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने कैरेक्टर को बड़ा कैसे कर सकते हो। यस गाइज, और ये जो ट्रिक है भाई, बहुत लोगों को नहीं पता था, तो चलिए आज की वीडियो में आपको फटाफट से बता देता हूँ कि आप अपने कैरेक्टर को 50 फीट बड़ा कैसे कर सकते हो। यस गाइज, आज की वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताने वाला जिससे गाइज आप अपने कैरेक्टर को बहुत बड़ा कर सकते हो। गाइज, बहुत बड़ा यानी कि आप अपने कैरेक्टर को बोलो तो एक मोन स्टार कैरेक्टर कह सकते हो। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने कैरेक्टर को किस तरह गाइज इतना बड़ा कर सकते हो, चलिए बता देते हैं। तो चलिए गाइज, आपको यहाँ पर 8000 डायल करके एक हेलीकॉप्टर को मंगा लेना है, और उसके बाद गाइस 8000 दोबारा डायल करके इसके बगल में हेलीकॉप्टर को मंगा लेना है। तो गाइस कुछ इस तरह दो हेलीकॉप्टरों को आपको मंगा लेना है, और उसके बाद गाइस इस दोनों के बीच में आ जाना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पर दोनों हेलीकॉप्टर को बिल्कुल भी अच्छे से चिपका देना। तो चलो गाइस, मैं ये वाला हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। तो गाइस, हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद गाइस आपको सिंपली से क्या करना है कि उस साइड में आपको जंप करना है। तो चलो गाइस, मैं फटाफट से जंप करता हूँ, और ऐसे भाई चलते चलते रन करते गाइस आपको सिंपली से ड्राइव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यस गाइस, रन करते करते आपको ड्राइव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहां पर चेक करो गाइस, आप एक बार में दो दो हेलीकॉप्टर को उड़ा सकते हो। ये चेक करो गाइस, और ये जो ट्रिक है भाई, बहुत लोगों को नहीं पता था, इसलिए गाइस मैं ये ट्रिक बता रहा हूं। तो गाइस, ये ट्रिक आपको कैसा लगा भाई, एक बार में दो दो हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाला ट्रिक? ठीक है, तो ये ट्रिक बहुत लोगों को नहीं पता था, इसलिए गाइस मैंने बता दिया। और ये ट्रिक कितने लोगों को पता था मुझे कमेंट करके बताइएगा, और गाइस जिनको भी नहीं पता था वो नाइस ट्रिक कमेंट कर दीजिएगा। अगर गाइस आप लोग नाइस ट्रिक कमेंट करते हो तो मैं अगले वीडियो में और भी अच्छे अच्छे ट्रिक लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपने कैरेक्टर को इस तरह लंबा कैसे कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा ट्रिक बता देता हूं। तो गाइस, जो हमारा दूसरा ट्रिक है, दूसरा ट्रिक में गाइस आपको स्टिकी बॉम्ब को ले लेना है, और कुछ इस तरह गाइस बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब को नीचे लगा देना है। तो चलिए गाइस, मैं फटाफट से बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब को नीचे लगा देता हूं। तो फाइनली गाइस, मैंने कुछ इतने सारे स्टिकी बॉम्ब को लगा दिया है, और इतने सारे स्टिकी बॉम्ब लगाने के बाद गाइस आपको सिंपली से क्या करना है कि आपको निकालना है अपना फोन। तो गाइस, यहाँ पर अब मैं जैसे जैसे करूंगा गाइस, आप भी गेम में वैसे वैसे ही करना। तो गाइस, आपको अपना फोन निकाल कर डायल करना है 9129। यस गाइस, 9129 आपको डायल कर लेना है, और फिर उसके बाद गाइस आपको इस बॉम्ब के बीच में चले जाना। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पर अपने बॉम्ब के बीच में आ जाता हूँ, और बीच में आने से पहले गाइस आपको अपने फोन में डायल करना है 1120। यस गाइस, यहाँ पर देखो मैंने डायल कर रखा 1120। डायल करने के बाद आपको बॉम्ब के बीच में खड़े हो जाना है, तभी आपको कॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, चलो तो मैं अभी बॉम्ब वाले ऑप्शन पे खड़ा हो चुका हूँ, अब मैं कॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। तो गाइस, यहां पर मैंने जैसे ही कॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया यार, तो अभी मेरे साथ होने वाला है बहुत बड़ा ट्रिक। तो ये ट्रिक भी बहुत लोगों को नहीं पता था, चलिए गाइस तो मैंने भी ये ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं। ये चेक करो गाइस, अभी हमारे साथ क्या होने वाला है, ये चेक करो, जो सारा स्टिकी बॉम्ब है यार वो मेरे शरीर पे चिपक चुका है। और ये ट्रिक कितने लोगों को पता था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइस, बिल्कुल भी आप यहां पर देख सकते हो, ये जो ट्रिक है काफी ऑसम ट्रिक लग रहा है यार। अगर आप अपने दोस्तों को ये ट्रिक दिखाते हो भाई, तो वो पक्का भाई कहेंगे भाई ये ट्रिक तुमने कहां से पता किया। फिर गाइस, आप अपने दोस्तों को बता दिया कि अनीस भाई ने मेरे को ये ट्रिक बताया है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे से आपको न्यू ट्रिक बताता रहता हूँ। चलिए गाइस, अभी मैं कार के अंदर बैठने वाला हूँ, और देखता हूँ गाइस कितने सारे स्टिकी बम को अगर मैं कार के अंदर लेकर बैठता हूँ तो मेरे साथ क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर कार को कर दिया है RGB, और अब देखते गाइस मेरे साथ क्या होने वाला है। ओ माय गॉड, ये चेक करो गाइस, ये जो हमारा लंबरगिनी हुआ है वो बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं है, और लंबरगिनी है जो कि गाइस पूरी तरह से टूट फट चुका है। इस तरह गाइस अगर आप करेक्टर को करकाते हो, और ये क्या गाइस, मेरा लंबरगिनी तो थोड़ा थोड़ा फ्लाइंग भी कर रहा है। ये देखो गाइस, ये तो थोड़ा थोड़ा फ्लाइंग भी करता है। तो गाइस, मैं आपको अभी एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि जिससे आप मल्टीप्लेयर का मजा ले सकते हो। तो यस गाइस, 900 डायल करके यहाँ पर आपको एक कार को मंगा लेना है, और कार को मंगाने के बाद गाइस फिर आपको इसके ऊपर दोबारा एक कार को और मंगा लेना है, और उसके बाद गाइस आपको सिंपली से फिर से एक और कार को मंगा लेना है। चलो गाइस, मैं इसके ऊपर एक और कार को मंगा लेता हूँ, और उसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पर जाकर आपको एक कार का कलर RGB कर देना है। तो चलो गाइस, मैं यहाँ पर फटाफट से एक कार का कलर RGB कर देता हूँ। गाइस, RGB करने के बाद गाइस आपको सिंपली से ड्राइव वाले ऑप्शन पे बैठ जाना है, और जैसे गाइस आप ड्राइव वाले ऑप्शन पे बैठोगे गाइस, तो आप एक बार में गाइस दो दो मल्टीप्लेयर मोड की तरह गाड़ी को चला सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। ये चेक करो गाइस, अभी जो तीनों कार है वो एक दूसरे से नीचे उतर चुके हैं, और यहाँ पर चेक करो गाइस, यहाँ पर मैं एक और कार ड्राइव कर रहा हूँ, और वहाँ पर है देखो गाइस वो भी वाला भी कार ड्राइव हो रहा है। तो ये जो ट्रिक है गाइस काफी ऑसम ट्रिक है। ये चेक करो गाइस, यहाँ पर भी एक कार ड्राइव हो रहा है, और इस साइड में भी मैं कार को ड्राइव कर पा रहा हूँ। तो चलिए गाइस, अब ये दोनों कार में मैं रेसिंग करता हूँ, और देखते हैं गाइस दोनों में से कौन जीतेगा। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पर मैं रेसिंग को करने वाला शुरू, और यहाँ पर गाइस मैंने दो कार को ले लिया है। चलिए, दोनों कार है जो कि मल्टीप्लेयर मोड में ऑन हो चुके हैं। अब देखते हैं गाइस रेसिंग में कौन जीता है, या मेरा वाला जो कार है गाइस वो RGB कार है, और वो जो दूसरा वाला कार है गाइस वो ऑटोमेटिक कार है। तो चलो गाइस, देखते हैं कौन जीता है। तो गाइस यहाँ पर है जो कि अभी मेरा कार आ गया है। इस तरह गाइस आप मल्टीप्लेयर का मजा ले सकते हो। यस गाइस, क्योंकि बहुत भाई लोग कमेंट करते थे अनीस भाई हमें मल्टीप्लेयर मोड को कैसे कर सकते हो, ये चेक करो गाइस, इस तरह गाइस तुम मल्टीप्लेयर मोड का मजा ले सकते हो। ये ट्रिक कैसा
लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए गाइस फिर से मैं आपको यहाँ पर एक और न्यू ट्रिक करके बताने वाला हूँ। तो गाइस जो आपका कार है उसको सिंपली से इस तरह पानी के अंदर डुबो लेना था। चलो गाइस मैं बिल्कुल भी अच्छे से अपने कार को पानी के अंदर डुबो लेता हूँ। और पानी के अंदर इस तरह डुबाने के बाद गाइस आपको अपने कार से बाहर निकल जाना है। और कार से बाहर निकलने के बाद आपको सिंपली से फिट वाले ड्राइव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बैठ जाना है। इस तरह बैठने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है कि आपको तालाब से बाहर निकल जाना। तो चलो गाइस मैं अभी पानी से बाहर निकल कर आपको दिखाता हूँ ट्रिक कि अभी मेरे साथ क्या होने वाला है। तो गाइस चलिए अभी मेरे साथ क्या होने वाला है, ऐसा ट्रिक जो कि गाइस आप लोग भी कभी दिमाग भी नहीं लगाए होंगे, मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ। ये चेक करो गाइस, अभी जो भाई मैं तो तालाब में स्विमिंग कर रहा था, लेकिन गाइस आप अभी रोड पे भी स्विमिंग कर सकते हो और स्विमिंग का मजा ले सकते हो। और गाइस इसको आपको पहले जैसा करना है तो इस ड्रम से टकरा जाना, ठीक है। अगर देखो भाई बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये हो रहा था कि आप जो इस तरह स्विमिंग कर रहे थे तो भाई ये स्विमिंग करते रह जाता था और बहुत लोगों को भाई पहले जैसा नहीं करने आता था। तो गाइस जब जैसे ही ड्रम से टकराओगे तो आपका करेक्टर पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये ट्रिक आप लोग को बता दिया। चलिए गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने करेक्टर को बहुत बड़ा या फिर बहुत लंबा कैसे कर सकते हो। चलिए मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे 200 डायल करके एक हॉर्स को मंगा लेना है। और हॉर्स को मंगाने के बाद गाइस इस तरह आपको दो हॉर्स को मंगा लेना है। और उसके बाद गाइस इसके बीच में चले जाना है। जैसे गाइस आप बीच में आओगे और यहाँ पर बैठे हो गाइस तो आप एक बार में दो दो घोड़े को ड्राइव कर सकते हो, ठीक गाइस। और ये ट्रिक जो कि काफी शानदार ट्रिक है, इसमें भी गाइस आप मल्टीप्लेयर मोड का मजा ले सकते हो। ये चेक करो गाइस, आप अपने दोस्तों को दिखा सकते हो कि देखो हमारे गेम में मल्टीप्लेयर मोड हो चुका है, ठीक गाइस, ये ट्रिक से, ठीक है। तो आप एक बार में यहाँ पर दो घोड़े को बिल्कुल भी आसानी से ड्राइव कर सकते हो। गाइस यहाँ पर से भी मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, आपको क्या करना है कि सिंपली से इस ट्रेन के पास आ जाना। तो चलिए गाइस मैं यहाँ ट्रेन के पास आ चुका हूँ। अभी मैं ट्रेन के पास आपको बिल्कुल भी अच्छे से अपने हॉर्स को लगा देना। तो चलो गाइस मैं यहाँ पर अपने हॉर्स को अच्छे से लगाता हूँ। अब गाइस आपको सिंपली से नीचे उतर जाना है। और नीचे उतरने के बाद जैसे ही गाइस ट्रेन डोर और हॉर्स डोर का दोनों का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जैसे गाइस आप ड्राइव वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे ये करेक्टर भाई आपका आगे निकल चुका है, सुपरमैन कट गया। इस करेक्टर को भाई देख सकते हो कि ये वाला जो ट्रिक है कितने लोगों को पता था। और ये ट्रिक अपने गेम में जरूर जाकर करना और अपने दोस्तों को भी जरूर बताना। तो चलिए गाइस अभी मैं आपको एक और ट्रिक फटाफट से बताता हूँ, आपको ट्रेन के अंदर कैसे जा सकते हो। ट्रेन के अंदर जाने का आसान तरीका कि इस तरह गाइस आपको स्टिकी बॉम्ब को ले लेना है और स्टिकी बॉम्ब को फेंकते 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 गाइस आपको इसके अंदर आ जाना है। और उसके बाद गाइस ये चेक करो आप आ जाओगे ट्रेन के अंदर। ये देखो भाई यहाँ पर आपको आकर खड़ा हो जाना है। अब गाइस आप ट्रेन के अंदर आ चुके हो और बिल्कुल भी आसानी से भाई ट्रेन का इंजन आप देख सकते हो, ठीक है। ये ट्रेन के अंदर आने का बहुत आसान तरीका है जो कि भाई बहुत लोगों को नहीं पता था, इसलिए गाइस मैं बता रहा हूँ। एक भाई बहुत ज्यादा ही कमेंट करे थे कि अनीस भाई ट्रेन के अंदर जाने का कोई भाई सोल्यूशन बताओ। तो चलिए गाइस इस तरह आप ट्रेन के अंदर जा सकते हो। तो चलिए गाइस अब मैं आपको वो वाला ट्रिक बताता हूँ कि आप अपने करेक्टर को इस तरह लंबा कैसे कर सकते हो। गाइस आपको अपने फोन में डायल करना है 114 टाइम्स। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको साइकिल देखने को मिल जाएगा और साइकिल लेकर गाइस आपको सिंपली से फिर ट्रेन के डोर के पास आ जाना। तो चलिए गाइस मैं यहाँ पर ट्रेन के डोर के पास आ जाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ क्या होने वाली है। देखो भाई ट्रेन के डोर के सामने आपको साइकिल को बिल्कुल अच्छे से खड़े कर देना है। और उसके बाद गाइस आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और जैसे गाइस आप ड्राइव वाले ऑप्शन पर क्लिक करो गाइस तो आपका करेक्टर हो जाएगा लंबा। ये चेक करो गाइस आपका करेक्टर कहाँ पर है और आपका साइकिल कहाँ पर है, ये देख सकते हो आप बिल्कुल भी। गाइस बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा करेक्टर है जो कि काफी लंबा हो चुका है और भाई वो कहाँ पर है और मेरा करेक्टर कहाँ पर है। इस तरह गाइस आप गेम का मजा ले सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल गाइस। ये जो ट्रिक है काफी खतरनाक ट्रिक है और बहुत लोगों को नहीं पता था इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए गाइस मैं जो आपको अभी सामने पिक में दिखा रहा हूँ, अगर इतना बड़ा आपको सही में करेक्टर करना गाइस ये ट्रिक आपको मैं बताऊंगा कैसे, बट उसके लिए गाइस आप लोग कमेंट करना पड़ेगा बिग करेक्टर यस गाइस, अधिक से अधिक कमेंट करो बिग करेक्टर ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इतना बड़ा कैसे कर सकते हो करेक्टर मैं वो ट्रिक बता दूं, ठीक गाइस। तो इसके लिए आप लोग को डिमांड करना पड़ेगा, यानी कि भाई अधिक से अधिक कमेंट करना पड़ेगा तभी मैं वो ट्रिक आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इतना बड़ा कैसे कर सकते हो करेक्टर का मैं वो वाला ट्रिक बताऊंगा कल वीडियो, ठीक है। बिग करेक्टर तभी ये मैं बताऊंगा, ठीक है। अधिक से अधिक कमेंट करो बिग करेक्टर इसका डिमांड बढ़ाओ यार, क्योंकि बिग करेक्टर के लिए कोई भी कमेंट नहीं करा। तो मैं अभी गेम में अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप सही में करेक्टर को बहुत बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट करने का पड़ेगा। तो बाय बाय।